नमस्कार, आज हम आए हैं श्रीमती स्वास्ति उपाध्याय मैम के घर पे, जो कि पाटलिपुत्र में है। और मैम को पौधों से बहुत प्यार है, और आज हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणादायक वीडियो बना रहे हैं, और इसमें यह दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से स्वास्ति मैम ने अपने घर पे और अपनी छत पे बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने फल और वेजिटेबल चना लगा रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही दिखाना चाहेंगे कि छत के ऊपर पपीता देखिए कितना बढ़िया तरीके से उग रहा है। ये फ्रूट बैग के अंदर उग रहा है। इन्होंने बिहार सरकार की 50% रूफटॉप गार्डनिंग सब्सिडी स्कीम में ये लाभुक बने हैं, और उन्होंने ये फल और सब्जियां यहाँ पे लगवाई हैं। ये देखिए, ये अमरूद लगा हुआ है, ये दूसरा पपीते का पौधा है, इसमें भी फलन हो रहा है, और इस पपीते के पौधे में भी फलन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं नींबू लगा हुआ है, देखिए कितना बढ़िया है ना, नींबू लगा हुआ है। ये देखिए नींबू लगा हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए केला लगा है, केले के ना पौधे लगे हुए हैं, कितना बढ़िया है, इसमें ग्रोथ है। और ये लगे हैं इनके पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। तो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, बिना मिट्टी के एक ऑर्गेनिक मीडियम के अंदर ये धनिया उगा रहे हैं, ये लाल साग और पालक है, यहाँ पे चेरी टोमेटो के ना पौधे है ना तैयार किए हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया लेट्यूस है, जिसको हम सलाद पत्ता भी कहते हैं, और ये है लाल वाला लेट्यूस। ये देखिए कितना बढ़िया है ना, इनका ग्रोथ कर रहा है। सबसे ख़ास बात यह है कि मैम डेली है ना अपनी छत पे आती हैं, और डेली अपने पौधों का है ना ध्यान रखती हैं, और बहुत ही जैसे बच्चों को है ना बड़ा किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपने पौधों को बड़ा किया है, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही मातृत्व के साथ है ना उन्होंने ना बड़ा किया है। और आप देख सकते हैं कि उनके पौधे जो हैं वो भी उनके प्यार को और उनके स्नेह को किस तरीके से वो लौटाते हैं, इतना बढ़िया फलन करके। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक मैम का एफर्ट है, और अगर आपकी छत पे ऐसे ही खाली जगह अवेलेबल है तो बिहार सरकार की 50% रूफटॉप गार्डनिंग की सब्सिडी स्कीम का आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम स्वस्ति उपाध्याय है, मैं पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना से बोल रही हूँ। ये मेरा रूफटॉप गार्डन है, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि रूफटॉप गार्डनिंग की सबसे बड़ी बात है कि मन की खुशी तो होती है, सुबह शाम यहाँ आओ देखो अच्छा लगता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए भी ये इतनी हरियाली और ये सबसे हम लोग इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी अच्छा लगता है, बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बड़े भी करते हैं, और इससे तो काफ़ी पेशेंस बढ़ता है। और इस तरह से कि अगर आपके पास जगह नहीं भी है तो अपने रूफ टॉप को भी आप यूज़ करके इस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।